खुद भी बचेंगे औरों को भी बचाएंगे। एक साथ मिलकर हम कोरोना को हराएंगे। जोशी शब्द श्री वंशीधर नगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार के हैं, जिनके द्वारा कोरोना फाइटर्स की भूमिका का बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। ऐसे तो पुलिस के जवान और अधिकारी हमारे आपकी रक्षा सुरक्षा में तत्पर रहते हैं, लेकिन इस कोरोना रूपी महामारी में हमें पूरी तरह महफूज रखने में जो प्रतिबद्धता उनके द्वारा दिखाई जा रही है वे काबिले तारीफ है। हम बात कर रहे हैं पंचीधर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी DSP अजीत कुमार की, जिनके द्वारा लोगों को संक्रमण की जद में आने से बचाने के साथ साथ लॉकडाउन का 100% अनुपालन कराने को लेकर दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। उनकी लोग सहृदय सराहना कर रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि इन अधिकारियों की कार्यकुशलता ही है कि अब तक हमारा अनुमंडल संक्रमण की जद से बाहर है। व्यवसायी संघ अध्यक्ष शंभू सौदागर व समाज सेवी हृदयानंद कमलापुरी एवं समाज सेवी फिरदौस आलम ने कहा कि कभी कार्यालय में तो कभी सड़क पर, कभी गांव में तो कभी बॉर्डर पर, कुछ इसी दिनचर्या के साथ इस महामारी से लड़ते हुए नजर आते हैं। कोरोना फाइटर्स की भूमिका की जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने वाले DSP अजीत कुमार कहते हैं कि हम तो बस लोगों को बता रहे हैं, अपील कर रहे हैं। सराहना के सुपात्र तो वो है जो हमारी बातों को तवज्जो देते हुए अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे हैं। गांव और शहरी मुख्यालय के साथ साथ अपने क्षेत्र में पड़ने वाले झारखंड UP राज्य सीमा की वर्तमान व्यवस्था का हर रोज अवलोकन करने वाले अधिकारी कहते हैं कि सभी जगह की व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं। साथ ही डर की बाबत पूछे जाने पर कहा कि हम डर नहीं बल्कि उस डर को डराते हुए जंग को जीतने में जुटे हैं। DSP अजीत कुमार कहते हैं कि अपनी कार्यकुशलता के साथ प्रतिरोष नहीं बल्कि प्रतिक्षण कार्य कर रहे पुलिस अधिकारी के जज्बे को देख मन से बरबस यही निकलता है कि राह में पड़े पर्वत को हौसले से तोड़ रहे हैं वो, रोक रही है जो राह दरिया धार उसकी मोड़ रहे हैं वो। जब है नजरों में मंजिल तो पहुंचना आसान है, वो अकेले है कहां, संग उनके आवाम है। हम लोग सख्ती से लॉकडाउन का अनुपालन लोगों से अपील करके, लोगों से प्यार से समझा के हर तरीके से करवा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के लोग इस महामारी में जंग जीतें और कोई भी इससे पीड़ित ना हो, ये हमारी हरदम कोशिश हर संभव कोशिश रहती है। सर बॉर्डरिंग एरिया भी है यहाँ पर, आपकी UP सीमा है से जुड़ा हुआ आपका जुरिडिक्शन है, ये ऐसे में वहाँ कैसे हो रहा है सर? बॉर्डरिंग एरिया में दोनों तरफ से पदाधिकारी कंटिन्यूली बने हुए हैं जो लगातार निगरानी रखे हैं कि सख्ती से लॉकडाउन का अनुपालन हो और बॉर्डर एरिया में कोई प्रवेश ना कर सके। गांव में भी पूछते हैं सर, आप मतलब गांव में कितनी जागरूकता आई है सर, लोग लॉकडाउन डरा रहे हैं? गाँव में अभी बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है और वहाँ के सभी मुखिया से, पंचायत सचिव से, सभी लोगों को बार बार जब भी पुलिस जाती है गाँव तरफ पेट्रोलिंग में या क्वारंटाइन सेंटर में, जब भी हम लोग जाते हैं हर स्तर पर बार बार लोगों को यह प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों बने रहें और इस महामारी से अपने आप को बचाए रखें। सर देखिए, पुलिसकर्मी है आप, अधिकारी हैं, तो डर सबको है, ऐसे में परिस्थिति में सर किस तरह कार्य हो रहा है सर? देखिए, डरने वाली बात नहीं है, इसमें परहेज करने की जरूरत है। हम डर नहीं सकते हैं, हमको मुस्तैद रह के साहसी बना रहना पड़ेगा। हाँ, सावधानी बरतना पड़ेगा, सावधान रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है ताकि हम भी उससे बचे रहें। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सबों को बार बार हम निर्देश दे रहे हैं, जब भी जाते हैं उनसे मुलाकात होती है तो उनको बार बार निर्देश देते हैं कि लगातार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें और अपने कर्तव्यों का एकदम तत्परतापूर्वक निर्वहन करें। इस कोरोना जैसे महामारी में हमारे अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी श्री अजीत कुमार जी के द्वारा कार्य अति सराहनीय है, क्योंकि इनकी कड़ी मेहनत से आज हमारे नगर अनुमंडल में दो दो राज सटने के बाद पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, जो कि अति सराहनीय है। और
ऐसे पदाधिकारी बहुत कम ही मिलते हैं कि अपनी जान को परवाह किए बगैर हम सभी अनुमंडल वासियों के जान के सुरक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। चूँकि इसके लिए हम नगर वासियों को अपनी ओर से और पूरे मुस्लिम समाज की ओर से हम लोग इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर हम लोगों की गौर है। और मैं अल्लाह ताला से कामना करता हूँ कि इनका भी स्वस्थ और अच्छे से रहें। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन का पालन करा रहे हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार जी ने अपनी कार्य को बड़ी बखूबी से निभा रहे हैं। हम इनकी सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अपनी कार्य को आगे जनता की सेवा में लगाते रहें। और भगवान से भी उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना है कि इनको सुरक्षित रखें और हमारा अनुमंडल सुरक्षित रहे। यही कामना के साथ हम उनको व्यवसायिक संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। लॉकडाउन को लेकर नगर अनुमंडल में बहुत ही सख्ती से नगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने लॉकडाउन को पालन करा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने जीवन को दाव पर रख कर जो नगर उतारी को अपने परिवार की तरह मानते हुए लोगों को सख्ती से लॉकडाउन करने का निर्देश दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और व्यवसायी संघ की ओर से इस कार्य को जो उन्होंने किया है सराहना करते हैं और उनके नगर उतारी के सारे पुलिस पदाधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं ताकि इस तरह का महामारी से बचाव नगर उतारी को किया जा सके। धन्यवाद।